हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, सभी ड्राई फ्रूट्स के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, उनमें से एक है काजू। काजू में प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, कॉपर जैसे मिनरल्स से भरपूर होते हैं। काजू में विटामिन के, विटामिन B6 और थायमीन भी काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। काजू को आप अलग अलग तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर काजू को दूध में भिगोकर खाते हैं तो इसके फ़ायदे और भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं दूध में काजू को भिगोकर खाने के कुछ बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। आजकल कब्ज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। अगर आपको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है तो आप दूध में भीगे हुए काजू खाना शुरू कर दें। काजू में फाइबर की सही मात्रा पाई जाती है, जो कब्ज़ की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही रोज़ाना दूध में भिगोकर काजू खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूध और काजू दोनों ही विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। जब इनको एक साथ खाया जाता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। काजू को दूध में भिगोकर खाने से वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप रात भर दूध में भीगे हुए काजू खाएंगे तो ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि काजू में विटामिन के, विटामिन B6, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी विटामिन और मिनरल्स हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही जोड़ों के दर्द से राहत दिलाते हैं। काजू का दूध हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मददगार है। इस दूध को पीने से हड्डियाँ अंदर से मजबूत होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी में हड्डियाँ खोखली होकर कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में इस दूध को पीना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप वज़न कम करना चाहती हैं तो काजू को दूध में भिगोकर खाएं। इस दूध में एनाकॉर्डिक एसिड नाम का एक बायो एक्टिव कंपाउंड होता है, जो बॉडी में फैट जमा नहीं होने देता। इससे वज़न नहीं बढ़ता है। साथ ही गाय और बादाम के दूध की तुलना में इसमें कैलोरी भी कम होती है। वेट लॉस करने के लिए काजू का दूध बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा काजू के दूध में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी रखता है। काजू का दूध पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक है वे भी इसको खा सकते हैं। काजू ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंटों के लिए भी काजू फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।